दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी की सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा। नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले अभियान पूरा करना चाहती है पार्टी। 1 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान। संबित पात्रा बोले, 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह, कम सीट आने के बाद भी सत्ता में है बीजेपी, इसलिए चिंता ना करें। बीजेपी नेता साबिर अली ने कहा, बैठक में हमें डोर टू डोर अभियान का निर्देश दिया गया है, जनता को पार्टी से जोड़ना है। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा नहीं होने पर शरद पवार ने उठाए सवाल, बोले पीएम एक देश एक चुनाव की वकालत करते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 2 राज्यों में ही चुनाव घोषित किए। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को बताया खोखे वाली सरकार, कहा इन्होंने मुंबई को बेचने की ठानी, मुंबई और मराठी मानुष को खत्म करने की कोशिश हो रही है। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का उद्धव ठाकरे पर तंज, बोले कुर्सी के लिए महाविकास आघाड़ी में गए थे पर उनके सपनों पर पानी फिर गया। उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे संजय राउत, कहा उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो सीएम बनेंगे, उन्हें आगे आने की जरूरत नहीं, 2019 में भी वो आगे नहीं आए थे, सबने मिलकर उन्हें सीएम बनाया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले उपचुनाव में पीडीए को जताएगी जनता, सभी 100 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, कौन किस सीट पर लड़ेगा इस पर कांग्रेस और सपा में बातचीत शुरू। यूपी उपचुनाव को लेकर बोले यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, उन्हें हटाना दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी में शामिल होने की खबरों को चंपई सोरेन का गोलमोल जवाब, बोले मैं नहीं बता सकता कि जो चल रहा है वो सच है या झूठ है, अभी मैं जहां हूं वहीं हूं। डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनेगी कमेटी, डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील। आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्र कानून की मांग, कहा एयरपोर्ट जैसी हो अस्पतालों की सुरक्षा, कोलकाता के पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की अपील। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी सीबीआई, आरोपी की मनोस्थिति का पता लगाने की कोशिश, दिल्ली से कोलकाता पहुंची सीएफएसएल की विशेष टीम। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपी एक और डायरी, लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास से मिली थी, मृतका से जबरदस्ती के समय फट गए थे कई पन्ना। आजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर कसा शिकंजा, सीबीआई ने दूसरे दिन भी पूछताछ की, शुक्रवार को भी 15 घंटे तक हुए थे सवाल जवाब। आजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के मामले में एक्शन में कोलकाता पुलिस, 7 लोगों को पूछताछ के लिए किया गया तलब। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच तेज, आरजीकर अस्पताल में सीसीटीवी खंगाले गए, वारदात की रात 2 बार अस्पताल आता दिखा आरोपी। कोलकाता कांड के बाद महिला सुरक्षा पर बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, वर्क प्लेस पर लागू होगी रात्रि साथी योजना, महिला स्वयं सेवकों की होगी तैनाती। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन, टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने निकाली रैली, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर विरोध जताया गया। श्रीनगर में भी डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग की गई। मुश्किल में घिरा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मुद्दा जमीन घोटाले में राज्यपाल ने दी मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी। कर्नाटक सीएम ने राज्यपाल के फैसले को बताया गलत, कहा मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है, पूरी पार्टी मेरे साथ, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। पार्टी और पूरी कैबिनेट सीएम के साथ, कानूनी और राजनीति दोनों तरीकों से लड़ाई लड़ेंगे, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान। वाराणसी सीएम योगी ने बैठक की, कानून व्यवस्था को लेकर अपडेट दिया। 69,000 शिक्षकों भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिविस्ट मटेरियल लीक होने से हड़कंप, 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया। एमपी के दमोह में 2 गुटों के बीच में पथराव, मुस्लिम युवक और गाय और बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद बवाल मचा। उदयपुर बवाल पर 24 घंटे के भीतर बदनाम सरकार का एक्शन टहाया गया, आरोपी छात्र का अवैध घर, 2 स्कूली छात्रों के झगड़े में जमकर हुआ था बवाल। उदयपुर में तनाव के माहौल के चलते 24 घंटे और बढ़ी इंटरनेशनल सेवा पर रोक, रविवार रात 10 बजे तक बंद रही इंटरनेट सेवाएं। उदयपुर कलेक्टर अरविंद कुमार की अपील, अफवाहों पर ध्यान ना दें, बच्चे की हालत में सुधार, उसे उचित इलाज देना हमारी प्राथमिकता। उदयपुर हिंसा पर बोले सचिन पायलट, ऐसी घटनाओं पर सख्ती से निपटने की जरूरत, पता लगना चाहिए कि हिंसा भड़काने वाले लोग कौन हैं। बिहार में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहा, अगुवाई सुल्तानगंज, पुल का एक पिलर गिरा। बिहार में पुल गिरने पर सियासत तेज, तेजस्वी यादव बोले नीतीश राज में लगातार गिर रहे हैं पुल। हैदराबाद में स्पेशल ऑपरेशन टीम का एक्शन, 4 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त, 8 गिरफ्तार। गुरुग्राम के सभी मॉल को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन ने चलाया सर्च अभियान। नोएडा के डीएलएफ मॉल में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, फायर सर्विस और डॉग स्क्वाड टीम ने हिस्सा लिया। एमपी के बुरहानपुर में एक होटल में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से राहत। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में भारी बारिश से बाढ़ आई, सड़कें तबाह हुई। पुलवामा के राजपुरा में फटा बादल, कई घरों में पानी घुसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर में भी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में ट्रैफिक बाधित हुआ।